वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस राय से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। बीपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम में जो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी बीपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है, तो गलत बात है, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो सही बात है, विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा आपका सही हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2020 में पूछा गया है। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो तो विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और विचार कर लीजिए। उपरोक्त घटनाओं के घटित होने के कालक्रमानुसार को निम्नलिखित कोट से सही क्रम का चयन करना है, तो देख लीजिए। जो क्लाइव है, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, क्लाइव जो है पुनः भारत कब आता है, मतलब दोबारा क्लाइव जो है भारत में कब आता है, तो 3 मई 1765 को आता है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब होती है, तो जो इलाहाबाद की संधि है अगस्त 1765 की होती है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 1764 में होता है। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, वारेन हेस्टिंग का जो है भारत का गवर्नर जनरल थी, कब बनता है, 1774 में बनता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो क्लाइव का पुनः भारत में आगमन, ये आपके सबसे पहले आपका होगा बक्सर वाला, ठीक है। तो बक्सर वाला देख लीजिए किसमें किसमें, उसके बाद आ जाएगा आपके 65 वाला, तो सबसे पहले आएगा मई, तो एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होता है, जैसे कि पहले जब क्लाइव का भारत में आगमन होता है उसके बाद इलाहाबाद की संधि होता है, ठीक है। उसके बाद वारन हेस्टिंग जो भारत का गवर्नर बनता है, चार हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, कौन था, लॉर्ड क्लाइव, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो सबसे पहले जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है 1784 को, ठीक है, 1784 को। तो जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जो बंगाल है उसका गवर्नर जनरल था लॉर्ड बारेन हेस्टिंग था, ठीक है, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो किससे संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसको बोलते हैं घेरे की नीति, ठीक है, किससे संबंधित था, यह संबंधित था वारेन हेस्टिंग से, ठीक है, वारेन हेस्टिंग से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया, तो किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी 2005 में भी पूछा था और 1996 में भी इस क्वेश्चन को पूछा था। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो बंगाल में जो है द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो जो ब्रिटेन की संसद थी वह किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया था? तो चलाया था वारेन हेस्टिंग पर, ठीक है, वारेन हेस्टिंग पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में जो है न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में जो है न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कर्नवालिस ने की। किसने की? लॉर्ड कर्नवालिस ने की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधावद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? जो लॉर्ड कार्नवालिस है इसकी कब्र गाजीपुर में स्थित है, ठीक है, गाजीपुर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस जो है इसका शासनकाल 1786 से 1793 के बीच में रहता है, एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक का बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब कि 2 बार रहता है, ठीक है, पहला बार है और ये दूसरा बार है। इसे भारत में इस्तमारी अथवा अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल में कब लागू हुआ था? तो 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त और न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा की जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 5 अक्टूबर 1805 को इसकी मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कि इसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड बिलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। IS 2018 का पूछा हुआ सवाल है कि लॉर्ड बिलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो देख लीजिए, दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना है तो सही बात है, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना है ये भी सही बात है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना ये गलत बात है, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना ये भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध हुए थे? किसके मध हुए थे? तो अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच में, ठीक है, अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब है, ठीक है, अवध का नवाब। ये कब स्वीकार किया था? तो 1765 में, 1765 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में बिलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? जो सहायक संधि है लॉर्ड बिलेजली के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की, जो आपके चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से सहायक संधि कौन स्वीकार नहीं किया है? तो जो इंदौर के होलकर हैं उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत और मैसूर के शासक ने
सहायक संधि को स्वीकार किया था? लॉर्ड बिलेजली का जो शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1798 से 1805 के बीच में रहता है। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया बिलेजली के द्वारा, और इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने बिलेजली की सहायक संधि स्वीकार की, इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? आपको सहायक संधि और व्यपगत सिद्धांत, ये दोनों याद रखना है। यहाँ पर है बिलेजली की सहायक संधि किसने कब स्वीकारा, तो हैदराबाद कब स्वीकारता है? 1798 में, ठीक है, और 1800 ईस्वी में। तो 1798 में स्वीकारता है हैदराबाद, और मैसूर कब स्वीकारता है? 1799 में, और इंदौर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर, इन सभी ने जो है बिलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड बिलेजली के साथ सहायक संधि की थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से पता कीजिए। तो सबसे पहले जो है हैदराबाद किया था, कब किया था? 1798 में। मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, सिंधिया 1804 में। सबसे पहले हो जाएगा एक, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दो, फिर हो जाएगा तीन, फिर चार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित युग्मों में से कौन आपके सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764 में, ये सही है। सहायक संधि जो है 1798 में, तो ये गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है 1833 में, तो ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813, ये भी आपके सही है। तो बी वाला आपके सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लॉर्ड बिलेजली, ठीक है, लॉर्ड बिलेजली उसका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक संधि के माध्यम से। नेक्स्ट है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वह कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग था। और कब होता है? तो 1814-15 में होता है, ठीक है, 1814-15 में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की संधि कब होती है? तो 1815 में जो है सुगौली की संधि होती है अंग्रेज और नेपाल के बीच में, ठीक है, अंग्रेज और नेपाली नेपाल के बीच में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, तो देख लीजिए, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, तो सही बात है, कब होता है? 1764 में। और प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है, कब होता है? ये होता है 1814 से 15 के बीच
बीच में। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही बात है, तब होता है 1799 में होता है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस कार्नवालिस के शासनकाल में नहीं होता है, ये होता है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग है उनके शासनकाल में होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो डी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, डी आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? जो सर थॉमस मुनरो हैं ये किस वर्ष जो है मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 1820 से 1827 के बीच में रहे थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसके द्वारा जो है मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया गया था कुशासन के आधार पर? ये लिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता कब है? तो 1790 से 92 के बीच में होता है, ठीक है, 1790 से 92 के बीच में होता है आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा। और इस समय जो मैसूर है उसके शासक कौन होते हैं? तो टीपू सुल्तान इसके शासक होते हैं, ठीक है, तो और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड कार्नवालिस होते हैं। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो कौन से संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो श्रीरंग पट्टनम की संधि के माध्यम से, और कब हुआ था? 1792 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? एक जो बीपीएससी लगातार 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में, ठीक है, कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा है उस पर पाबंदी किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, और कब लगाया गया था? तो 1829 में, और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से जो है किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? जो पहले दास का निर्यात किया जाता था किस वर्ष रोक दिया गया? ये रोक दिया गया 1789 में, ठीक है, 1789 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कुशासन के आरोप के आधार पर किया गया था डलहौजी के द्वारा अवध का विलय, और कब किया गया था? तो किया गया था 1856 में, कब किया गया था? 1856 में, और किसके रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो जेम्स जेम्स आउट ट्रम के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, ठीक है, तो 1856 में कुशासन के आरोप में, और जेम्स आउट ट्रम के रिपोर्ट के आधार पर, इतना आप सभी को याद रखना है। नीचे यहां पर याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को जो है अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया तो उस समय अवध का शासक कौन थे? तो बाजिद अली शाह थे, याद रखना है बाजिद अली शाह थे। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत
विलय किए गए प्रदेश, इस प्रदेश को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा आपसे जाएगा, ठीक है। तो सतारा को कब व्यपगत सिद्धांत के आधार पर डलहौजी के द्वारा मिलाया गया अपने राज्यों में, तो 1848 में। जैतपुर को मिलाया, जैतपुर एवं संबलपुर को मिलाया गया 1849 में, और बगहात को मिलाया गया 1850 में। जो उदयपुर है उसे मिलाया गया 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और करौली इसे 1855 में। ये सारे को आपको लिख लेना है, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत सा क्वेश्चन को इस प्रकार वाला सेट नहीं किए, क्योंकि आपको सोचे कि एक ही बार आपको हम बता देंगे। ये सारे को आपको लिख लेना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम भी चल जाएगा, और आप छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर एक लाइन में एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम यहाँ पर ये जो बॉक्स है, जो बॉक्स में सारा कुछ लिखा हुआ था, वो आपको हम प्रोवाइड करा दिए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? निम्नलिखित में से जो है किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो किसने किया? तो डलहौजी ने। किसने किया? डलहौजी ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? जो प्रथम शिकार था कौन था? सतारा था, ठीक है, सतारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सतारा को कब मिलाया गया था? 1848 में, ठीक है, 1848 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झांसी कब मिलाया गया था? 1853 को। जो करौली है इसे कब मिलाया गया था? 1855 में। जो संबलपुर है इसे कब मिलाया गया था? 1849 में, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो वास्तविक नाम है लॉर्ड डलहौजी का। किसका नाम है? लॉर्ड डलहौजी का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध विजय संपन्न हुआ, ये संपन्न हुआ लॉर्ड एलन बरो के समय में, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के समय में। कब? 1843 में, 1843 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके जुल्म में किया था? तो दो डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में जो है सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था डलहौजी साहब के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। और कब बिछाई गई थी? तो 1853 में। पहली रेल कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है? तो बंबई से थाने के बीच में। कहाँ से? बंबई से थाने के बीच में चलती है, 1853 में चलती है। अब बंबई से थाने के बीच में चलती है और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो उस कंपनी का नाम बताना है, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 36 गलत पीसेस होता है वो अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का जो है अंतिम प्रमुख विस्तार जो है इसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि 1886 में जो है बर्मा, बर्मा को अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया था 1886 में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डफरिन के शासनकाल के समय ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन शासन में क्रियान्वित किया गया? किसके
शासनकाल में जो है क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम है वो कब आया था? 1856 में। कब आया था? 1856 में। और किसके सहयोग से आया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से आया था। ईश्वर चंद्र विद्या सागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह क्रियान्वित हो गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायस राय था? तो भारत का जो प्रथम वायस राय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 में सनद के जारी किए जाने से, 1858 के सम्राज्ञी की घोषणा से, ठीक है, 1858 के सम्राज्ञी की घोषणा से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को तो भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 को, ठीक है, 1877 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी पूछा है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में जो है दास प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में जो है दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको फिर से बोल रहे कि बीपीएससी इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ चुका है। इस क्वेश्चन पे 2 साल लगातार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ था, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन मतलब कि सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सुमिलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, सही बात है, सुमिलित है। कब आता है? 1793 में। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, 1798, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, तो ये भी सही बात है। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत, ये आपकी गलत है, ठीक है, ये आपकी गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है, इसमें से जो आपके कौन सही सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सही सुमिलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त देख चुके हैं। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली दी गई, ये भी सही बात है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपकी गलत है, ठीक है, यहां पर होना चाहिए तृतीय। क्या होगा? तृतीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो सी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में होता है? तो लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में होता है, लॉर्ड बेलेजली के शासन काल में होता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? की गई थी चार्ल्स मेटकॉफ
किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सुमिलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त सुमिलित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली ये भी सुमिलित है, सर जॉन शोर ये आपके गलत है। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो सही बात है, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में हुआ था। उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कार्नवालिस उस समय गवर्नर थे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? मैं आपके चार ऑप्शन दिया गया है और इसमें से बोला गया कि कौन आपके सही सुमिलित है। तो देख लीजिए जो लॉर्ड एलन बरो है, जो लॉर्ड एलन बरो है किसका विलय करता है? तो ये सिंध का विलय करता है, ठीक है। ये सिंध का विलय करता है और कब करता है? तो 1843 में करता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी है कुशासन के आरोप में जो है अवध का विलय करते हैं 1856 में। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपके सही है। सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आपको ध्यान रखना है ये जो हेस्टिंग के शासनकाल में होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? इसमें से जो है कौन आपके गलत सुमिलित है? तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है कि लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, तो सही बात है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है? 1885 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। लॉर्ड लिप्टन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में जो है कि प्रथम नहीं सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ होता है, जबकि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ किसके शासनकाल में होता है? तो आपको ध्यान रखना है ऑकलैंड के शासनकाल में, ऑकलैंड के शासनकाल में, ठीक है, ऑकलैंड के शासनकाल में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो किसके शासनकाल में प्रथम जनगणना होती है? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है कब होती है? 1872 में। अगर पूछा जाएगा कि जो है कि नियमित जनगणना जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ होती है, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है नियमित जनगणना प्रारंभ होती है। और कब प्रारंभ होती है? तो 1881 से, ठीक है, 1881 से। इस बात को आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो जो नाम पूछ रहा है कि किस वायसराय की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था, तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाया। किसने अपनाया? लॉर्ड लिटन ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो भारत का वायसराय जो है सबसे लंबे समय तक कौन रहता है? तो लॉर्ड कर्जन रहता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो शासनकाल है 1899 से
1905 के बीच में रहता है, करीब 7 साल इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, जो आपके लॉर्ड डफरिन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1884 से 88 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। जो लॉर्ड हार्डिंग है इसका शासनकाल 1910 से 1916 के बीच में रहता है। जो लॉर्ड मेयो है इसका शासनकाल जो है 1869 से 1872 तक रहता है, 1872 तक 3 साल रहता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अस्थाई स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, तो किसके शासनकाल में सशक्त की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कभी कभी पूछता है कि स्थानीय जो शासन है उसका जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। तो जो इलबर्ट बिल विवाद है ये संबंधित है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने जाना से। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलबर्ट बिल विवाद था कि जो यूरोपियन लोग थे उनके मुकदमे की सुनवाई जो है अब भारतीय जज भी कर सकता था। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल ये हुआ, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसे ढंग से लिखा गया था पूरा एक जगह कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने से। ठीक है, मतलब कि इलबर्ट बिल विवाद में बोला गया था कि जो भारतीय जज हैं वो भी अब जो है अंग्रेज या यूरोप से संबंधित केस सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे इसमें क्या होता था कि सिर्फ यूरोपियन लोग का केस अगर यूरोपीय सुनते थे तो जो यूरोपियन लोग थे उनको एक तरीके से प्लस पॉइंट होता था, उनको एक तरीके से बरी कर दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए। लेकिन बाद में इसका इलबर्ट बिल है उसका बाद में विवाद हो जाता है उस पर, और इलबर्ट बिल को वापस लेना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी पदा अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया, तो उस समय कौन आपके वाइसराय थे ये पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन साहब थे। इसमें बोला गया था कि ये 1881 का फैक्ट्री एक्ट था कि जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, और जो 7 साल से 12 साल के बच्चे हैं वो 9 घंटे काम करेंगे। तो इसमें कौन सा कोई बड़ा तीर मार दिया था इन लोगों ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो बताइए कि भारत गुलाम था और बोलेगा कि मजदूर संघ बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात। उसके बाद है कि NEM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, तो सही बात है। ठीक है, तो दो आपके सिर्फ सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, आप आईएएस का बहुत सा क्वेश्चन को जो है आप अपने जो विवेक है उससे सोल्व कर सकते हैं, आपको जानकारी रहे ना रहे। ठीक है, अगर आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ा है तो आप आराम से आईएएस का क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिए। जो क्लाइव साहब हैं, क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में दोहरा शासन लागू किया गया था। जो बैंटिंग है, वेंटिंग के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने की बात की गई थी बैंटिंग के शासन काल में। चार्ल्स जे मेटकॉफ है इसे प्रेस से प्रतिबंध हटाया था, तो इसलिए बोला जाता है, जो चार्ल्स मेटकॉफ है इसे बोला जाता है
प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है, इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हम कहीं बताए नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया तो इसको हम बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसी ने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो लॉर्ड डलहौजी है इसने व्यपगत का सिद्धांत दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, और लॉर्ड जो रिपन साहब हैं इन्होंने स्वायत्त शासन मतलब कि जो एक तरीके से पंचायती राज होती है उसका जनक माने जाते हैं, और जो लॉर्ड कर्जन है बंगाल का विभाजन विभाजन कर देता है 1905 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उसके बाद ए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की शासनकाल में, और कब होती है तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, ये भी आपके पारित हुआ था, ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब पारित हुआ था, 1904 में, 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो भारत में जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से किसने की थी, तो जीके गोखले ने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, तो सही बात है कि जो सीमाएं थी प्रांत की उसे दोबारा पुनर्गठित करने का प्रयास किया, जो बंगाल बहुत बड़ा था उसे तोड़ के जो है बंगाल और बिहार अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो बंगाल और बिहार अलग अलग कर दिया किसने, लॉर्ड कर्जन ने, तो इसी को बोलते हैं कि पुनर्गठित, जो अब एक तरीके से पूरा ये था शुरुआत में, बाद में इसे तोड़ दिया गया, तो जो राज्यों का जो सीमाएं उसका क्या किया गया, पुनः गठित किया गया। उसके बाद है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो ये भी सही बात है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहावत बहुत आप लोग सुनते होंगे कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनो, यह किसने कहा, यह किसने लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनो, यह किसने लिखा, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड कर्जन का यह कथन था, किसका था, लॉर्ड कर्जन का था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस को जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन किसने बोला था, तो लॉर्ड डफरिन ने बोला था कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन। नेक्स्ट है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले कृतक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने वे उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, तो किसने की, लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, मतलब कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, उसका नाम
तो उसका नाम याद रखना है, उसका नाम है लॉर्ड रीडिंग। क्या नाम है? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आरओ में पूछा गया है और यूपी आरओ में पूछा गया है, दोनों मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रख सकते हैं कि जो यहूदी लोग होते हैं पढ़ने में क्या होते हैं, तेज होते हैं, रीडिंग करने में तेज होते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें से जो आपके कौन सही सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए, ईस्ट इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था, तो सही बात है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डॉलोजी के शासनकाल में, ये भी सही बात है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था, ये गलत बात है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये लिट्टन के शासनकाल में आया था। किसके? लिट्टन के शासनकाल में आया था। ठीक है, लिबर्टी बिल विवाद रिपन के शासनकाल में, ये भी सही है। तो गलत कौन है? सी आपकी गलत है। ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, 2004 में आईएएस इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, और कब? 1911 में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करने का करना प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ था? तो करीब करीब 1860 के आसपास। ठीक है, तो उस समय का जो कोई भी आपके जो वायसराय नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल था। सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधियां राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली वाली समकक्ष उपाधियां उपाधि खान बहादुर। ठीक है, किसको दी जाती थी? खान बहादुर मुस्लिमों और पारसियों को। 1859 और 1860 ईस्वी से इस उपाधियों को दिए जाने का साक्ष मिलता है। ठीक है, तो लगभग ये उसमें वायसराय थे, कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग साहब के शासनकाल के समय मिलता है। तो इस वीडियो में जितना भी आपके वायसराय से संबंधित और गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।